अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहतशाम जान है और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी रिटर्न क्वालिफायर्स, कस्टम इंस्पेक्टर्स के अप्रेजल ऑफिसर्स, एवेल्युएशन ऑफिसर्स और रब्ता करते जा रहे थे कि ख़ास तौर पर एफबीआर की इंटरनल वर्किंग कस्टम एज ए डिपार्टमेंट, उसमें जेली अथॉरिटीज डिपार्ट फर्दर सब डिपार्टमेंट सब सेक्शंस जिनमें कस्टम इंस्पेक्टर्स हायर होते हैं, काम करते हैं, अप्रेजल ऑफिसर एवेल्युएशन ऑफिसर का काम क्या होता है, उसका टास्क क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो हमारे यहाँ जनरली ये होता है कि डिपार्टमेंटल लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके इंटरव्यूज में स्टूडेंट्स करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जीके, इसकी तो प्रिपरेशन करके जाते हैं, बट उस डिपार्टमेंट के इंटरनल वर्किंग के बारे में स्टूडेंट्स को ज्यादा इलम नहीं होता। तो उसकी वजह से उनके इंटरव्यू में जो उनका इम्प्रेशन है या उनके जो मार्क्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने रब्ता किया, मैंने इन पर्सन कुछ स्टूडेंट्स को इमरान साहब का नंबर दिया, इमरान साहब ने उनको गाइड किया और जिनके इंटरव्यू हो गए वो माशाल्लाह बहुत अच्छे इंटरव्यू। फिर और स्टूडेंट्स ने रब्ता किया तो मैंने रिक्वेस्ट की इमरान साहब को कि सब स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल अलग अलग टाइम देंगे तो इससे बेहतर है कि एक सेशन रखा जाए, एक फ्री सेशन के जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके उनको कस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है एज अ डिपार्टमेंट और उसमें इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, अप्रेजल ऑफिसर, इवेल्युएशन ऑफिसर, ये एक ही हैं, ये अलग अलग हैं, इनकी वर्किंग क्या है, स्कोप प्रमोशन का क्या है, इश्यूज क्या हैं, इस डिपार्टमेंट की वर्क एथिक्स क्या है, लीगल फुटिंग्स कितनी, लीगैलिटीज कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो कौन से लॉज हैं, आर्टिकल्स, प्रोविजंस हैं कि जिन जो इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू इमरान सैफी साहब कि इन्होंने एग्री किया इस फ्री सेशन के लिए। और इमरान सैफी साहब रावियन है मेरी तरह, गवर्नमेंट कॉलेज से हमारा साथ है और ब्रिलियंट रावियंस में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दो दफ़ा सी एस एस क्वालिफाइड हैं, अनफॉर्चुनेटली एलोकेशन नहीं हुई बड़े नैरो मार्जिन से, बट ही इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड एलएलएम भी किया हुआ और उसमें भी इंटरनेशनल लॉ में इनकी एक्सपर्टीज भी है और अभी ये कस्टम में ही अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और एक्सपर्टीज इतनी है कि डिपार्टमेंट इनको जो है वो कोस्टल लाइन से हमारी तरफ वापस लाहौर ला नहीं रहा, काफी अरसा ही हो गया इनसे मुलाकात नहीं हुई। तो ओवर टू यू इमरान साहब, आप आई एम होपफुल के स्टूडेंट्स आप की तरफ से आने वाली गाइडेंस को जो है वो उससे फायदा उठाएंगे जिस तरह पहले कुछ स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली फायदा उठाया। तो आई एम मेकिंग यू होस्ट और यू मे कंटिन्यू। स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स ऑफ रखें, स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ रखें और एट द एंड ऑफ द सेशन जब वो अपनी बात मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आप चैट सेक्शन में या अपना माइक ऑन करके जब सैफी साहब कहें कि किसी का कुछ सवाल है तो वो अपने कंसर्न्स या अपनी बात उनसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन इमरान सैफी साहब, आपका टाइम देने का थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सर। सर माइक ऑफ हो गया आपका। हाँ अब ऑन हो गया। सर अब ऑन हो गया हाँ जी ऑन हो गया जी। इसको जरा जी। बस देख लीजिएगा क्लास में, अगर बच्चे वॉइस का कोई इशू होगा तो वो चैट में आपको बता देंगे। ऑल राइट, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। वेल, सर ने काफी इंट्रोडक्शन करवा दिया। थैंक यू टू सर और वेलकम यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मुबारकबाद हो, आपका रिटर्न माशाल्लाह क्वालिफाई किया आपने और इंशाल्लाह आगे भी आप क्वालिफाई करके इंशाल्लाह कस्टम्स डिपार्टमेंट का हिस्सा बनेंगे जल्दी इंशाल्लाह। अभी हमारा जो फोकस है वो बेसिकली आप लोग तीन तरह के पोस्ट से रिलेटेड इंटरव्यूज हैं आपके, एक अप्रेजिंग ऑफिसर, सेकेंडली
प्रिवेंटिव ऑफिसर्स और थर्डली कस्टम इंस्पेक्टर्स. तो कस्टम इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और अप्रेजिंग ऑफिसर सम टाइम ये अल्टरनेटिवली काम करते हैं, बट दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर ऑफ जॉब. इसमें डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बता देता हूँ, ताकि जिस तरह हम थोड़ा आगे बात को लेके चलेंगे तो उसमें आप लोगों के डिफरेंसेस आप लोगों को पता चलते जाएंगे, नेचर ऑफ जॉब क्या क्या है. डिपार्टमेंट के हवाले से जो जनरल चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, उनसे स्टार्ट कर लेते हैं. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है FBR का. अच्छा, इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड जो मेजर चीज़ें हैं, जो जनरल नॉलेज या अदरवाइज चीज़ें हैं, वो खुद आप लोगों ने देखनी है. मैं आप लोगों को डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ें ही बता सकूंगा. उसमें ये कि हम स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे अंडर द एम्बिट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ही आते हैं. और फाइनेंस मिनिस्ट्री में फिर तीन डिफरेंट डिवीजन हैं. उसमें कॉमर्स सॉरी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है, रेवेन्यू डिवीजन है और फाइनेंस डिवीजन है. हम लोग FBR जो हमारा है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रेवेन्यू डिवीजन के अंडर आती है. और FBR के अंडर IRS इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज हैं. तो हम लोग आप और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज का हिस्सा बनने जा रहे हैं. तो इसमें इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में मेनली सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स वगैरह आ जाते हैं. हमारा कंसर्न जो है वो मेनली कस्टम से है, लेकिन ओवरऑल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है FBR. और FBR को हेड करते हैं चेयरमैन FBR, जो साथ में सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन भी होते हैं. और ये जाहिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं. इनके अलावा चेयरमैन हेड हो गया, हेड के चेयरमैन के अंडर मेंबर्स आते हैं. मेंबर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स हैं. ये एक पूरे बोर्ड को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल हेड जो है वो फर्दर मेंबर्स होते हैं. कस्टम्स को चलाने के लिए दो स्प्लिट किए गए मेंबर्स, पहले एक ही होता था, उसके बाद अब मेंबर पॉलिसी अलग होता है और मेंबर ऑपरेशंस अलग होता है. इस टाइम मेंबर ऑपरेशंस तारिक हुदा साहब हैं. और अभी रिसेंटली चेयरमैन FBR चेंज हुए हैं, मोहम्मद अशफाक साहब आए हैं. तो ये है. उसके अलावा इसी तरह IRS में मेंबर पॉलिसी और मेंबर ऑपरेशंस अलग अलग हैं. फिर IRS और कस्टम्स से हट के भी मेंबर्स होते हैं. मेंबर लीगल है, मेंबर अकाउंटिंग एंड ऑडिट है, मेंबर IT है, इस तरह करके मेंबर एडमिन एंड HR है. तो ये इस तरह करके मेंबर्स इसको फर्दर हेड करते हैं जो सब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे FBR में. इसमें हमारा कंसर्न आ गया मेनली कस्टम्स. कस्टम्स का काम है फंक्शंस मेनली जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पाकिस्तान कस्टम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल ट्रेड को, लीगल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना है हमने. उसमें लीगल कैसे, अंडर एनी लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्राइम लॉ तो कस्टम्स एक्ट है, और उसके साथ जो भी एसोसिएटेड लॉज हैं उन सारे लॉज में लीगल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करना हमारा मेजर काम है, मेजर ड्यूटी है. सेकेंडली हमने प्रिवेंट करना है एनी टाइप ऑफ इलीगल ट्रेड. उसमें कई तरह का इलीगल ट्रेड आ जाता है, वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं. और फिर हालांकि ये मेजर फंक्शन समझा जाता है, लेकिन ये हमारा सेकेंडरी पर्पस है कि हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं. और पाकिस्तान कस्टम्स मोर देन 50% रेवेन्यू FBR का पाकिस्तान कस्टम्स कलेक्ट करता है. उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान कस्टम्स इम्पोर्ट स्टेज पे कस्टम ड्यूटीज के अलावा सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स भी कलेक्ट कर रहा होता है. तो बेसिकली IRS का काम जो इम्पोर्ट स्टेज पे है वो हम लोग कस्टम्स में करते हैं. तो इसलिए ओवरऑल कस्टम्स की रेवेन्यू कलेक्शन बाकी IRS वगैरह से ज्यादा हो जाती है. अच्छा, इसका ओवरऑल अंडरस्टाफ्ड रहा है कस्टम काफी टाइम से, इसीलिए आप लोग हम लोग इसका हिस्सा बने. और बाकी जाहिर है इसमें मजीद स्टाफ के आ जाने से, और ख़ास तौर पे ये जो लॉट आ रही है जो CSS कैलिबर की लॉट है, इसके आ जाने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी डिपार्टमेंट में. और ओवरऑल जो एक वो स्टिग्मा टाइप इम्प्रेशन होता है कस्टम्स का, जो है जनरली हमारी लेमन लैंग्वेज में जिसको समझा जाता है, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा.
और उसके बाद आ जाते हैं कि कस्टम्स के बॉर्डर स्टेशंस कौन कौन से हैं या इनलैंड स्टेशंस कौन कौन से हैं। पाकिस्तान कस्टम्स ओवरऑल सारे जो बॉर्डर्स हैं हमारे, वहाँ पे डिफरेंट लैंड रूट्स पे, डिफरेंट सी रूट्स पे हमारी पोर्ट्स हैं, हमारे कस्टम स्टेशंस हैं। हम अगर सी से शुरू करें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट कराची पोर्ट, कराची कस्टम स्टेशंस या कराची पोर्ट है। कराची में फिर इसको फर्दर डिवाइड किया गया है ईस्ट और वेस्ट में, वो डिफरेंट पोर्ट स्टेशंस हैं। और फिर पोर्ट कासिम आ जाता है और अभी हमारी मेजर पोर्ट गवादर पोर्ट शुरू हो गई है। ये तीन मेजर पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की। उसके अलावा जो छोटी पोर्ट्स हैं उसमें गडानी आ जाता है, जीवनी है, पसनी है और माड़ा है। ये सारी पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की सी पोर्ट्स। उसके बाद सी पोर्ट्स पे ही सारा कस्टम डील हो जाए सी ट्रेड के हवाले से, ऐसा पॉसिबल नहीं होता समटाइम। तो हमने लैंड कस्टम स्टेशंस भी बनाए हुए हैं जो उन सी पोर्ट्स को फैसिलिटेट करते हैं। कार्गो एक दफा लैंड होता है शिप से और उसके बाद वो लैंड कस्टम स्टेशंस पे चला जाता है, जो इन्हीं कस्टम हाउसेस के अंडर काम करते हैं, पोर्ट कासिम के अंडर, कराची पोर्ट के अंडर या गवादर के अंडर। गवादर खैर अभी खुद कैटर कर रहा है सारी चीजें। खैर अब उसमें डिफरेंट स्टेशंस आ जाते हैं जो मेन पोर्ट्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और बेसिकली वो उसी का हिस्सा ही तसव्वुर किए जाते हैं। ये सी ट्रेड के हवाले से है। उसके अलावा हमारी जो आ जाता है बॉर्डर स्टेशंस जो हैं हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के साथ मेनली हमारे दो बॉर्डर स्टेशंस हैं। एक वाघा लाहौर में, वो सबको पता होगा, वहां पे ट्रेड होता है हमारा। और दूसरा एक यहाँ पे सिंध में है, उसका एग्जैक्ट मुझे नाम इस टाइम भूल रहा है। बहरहाल वो ट्रेन सर्विस वहां से स्टार्ट हुई थी और जो हमारा ट्रेन पे कार्गो आता है मेनली वो वहां पे डील होता था। वो काफी टाइम से बंद है और अभी इंडिया के साथ ट्रेड हमारा, जब से ये कश्मीर वाला इशू हुआ है, उन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तब से हमारा इंडिया के साथ ट्रेड नहीं हो रहा, ट्रेड रुका हुआ है। उसके बाद हमारा ईरान के साथ बॉर्डर है। ईरान के साथ हम तीन जगह से, तीन बॉर्डर स्टेशन से ट्रेड कर रहे हैं। एक ताफ्तान है जो अपर साइड पे है, फिर दरमियान में एक मंद स्टेशन आता है जो तुर्बत के पास है, और फिर ये गवादर के पास, इसको बॉर्डर पॉइंट 250 कहा जाता है इस बॉर्डर को। ये तीन हमारे कस्टम स्टेशन हैं जो ईरान के साथ है। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ, दो मेजर हमारे कस्टम स्टेशन हैं, एक तोरखम जो पिशावर के साथ आता है और दूसरा चमन जो क्वेटा के पास है। तो ये दोनों अफगानिस्तान के साथ हैं। अभी तीसरा एक कोहाट के पास हमने जो ओल्ड फाटा एरिया है वहां पे एक खोला है रिसेंटली, लेकिन वो अभी उस तरह मेजरली काम नहीं कर रहा। तो ये दो मेजर स्टेशंस हैं। उसके बाद चाइना के साथ हमारा सुस्त बॉर्डर गिलगित में, वो वर्किंग कर रहा है, और लेकिन उसका एक इशू ये है कि वो चूंकि वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो वो पूरा साल खुला नहीं रह सकता वो बॉर्डर स्टेशन। तो वहाँ से 4-5 महीने जब तक वो बर्फ हमें इजाज़त देती है उस टाइम तक वहाँ से लैंड रूट से ट्रेड होता रहता है। उसके अलावा अगर कस्टम्स की वर्किंग के लिहाज से देखा जाए तो कस्टम्स को तीन मेजर रीजन्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, सेंट्रल, सॉरी चार मेजर रीजन्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पहले साउथ का हिस्सा होता था, लेकिन अभी उसको साउथ से अलग करके बलूचिस्तान को एक अलग रीजन के तौर पे डील किया जा रहा है। नॉर्थ में हमारे जो कस्टम स्टेशन आते हैं वो एक सोस्ता हो गया, उसके लिए रावलपिंडी में उसकी मेजर अप्रेजमेंट वगैरह होती है। उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ गया और फिर पिशावर, ये तीन, सॉरी चौथा सियालकोट, ये चार हमारे स्टेशंस जो हैं ये डील होते हैं नॉर्थ जोन के अंडर। उसके बाद हमारा सेंट्रल है, सेंट्रल में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद आ जाते हैं मेनली, और
उसके बाद हमारा जो है साउथ रीजन, साउथ रीजन में पोर्ट कासिम, कराची, हैदराबाद, ये वाले रीजन, ये वाले एरियाज आ जाते हैं, ये वाले कस्टम स्टेशन आ जाते हैं। इसके साथ साथ फिर अब बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में क्वेटा, क्वेटा के अंडर ही ये ताफ्तान मैंने आपको बताया और क्वेटा इटसेल्फ, ये चमन, ये क्वेटा के अंडर आते हैं। उसके बाद ग्वादर के अंडर बॉर्डर पॉइंट 250 मंद स्टेशन, उसके बाद ग्वादर इटसेल्फ, पसनी और माड़ा, जीवनी और गडानी, ये ग्वादर के अंडर आते हैं। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है जिसको रन किया जा रहा है। हमने एफबीआर की बात की तो एफबीआर में हम मेंबर्स तक डिस्कस किया। मेंबर्स से नीचे चीफ कलेक्टर्स होते हैं। चीफ कलेक्टर्स बेसिकली अपने अपने रीजन को हेड कर रहे होते हैं और उसके नीचे कलेक्ट्रेट्स और डायरेक्ट्रेट्स होते हैं। डायरेक्ट्रेट्स और कलेक्ट्रेट्स में मेजर डिफरेंस ये है कि जहाँ पे ड्यूटी कलेक्शन के मैटर्स हैं वहाँ पे उनको कलेक्ट्रेट कहा जाता है, जहाँ पे पॉलिसी मैटर्स हैं, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, वहाँ पे उनको डायरेक्ट्रेट कहा जाता है। ये पैरेलल हैं और इनमें सिर्फ नामों का फर्क है, फंक्शंस का ये छोटा सा फर्क है जो आपको बताया, इसके अलावा ऐसा इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन में फर्क नहीं। इनको हेड करते हैं कलेक्टर्स और डायरेक्ट्रेट को, कलेक्ट्रेट को ऐड करेंगे कलेक्टर्स, डायरेक्ट्रेट को ऐड करते हैं डायरेक्टर्स, और इसी तरह फिर इनके जो इनके अंडर ऑफिसर्स आते हैं वो भी इसी तरह डिवाइड है। मतलब कलेक्टर और डायरेक्टर का नाम अल्टरनेटिवली हम यूज करेंगे इस तरह से। उसमें एडिशनल कलेक्टर होते हैं कलेक्टर के अंडर, फिर एडिशनल कलेक्टर के अंडर डिप्टी कलेक्टर्स एंड असिस्टेंट कलेक्टर्स होते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर्स जो CSS करके पहली पोस्टिंग होती है तो वो असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पे होती है, फिर वो प्रमोट होके डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर्स और डिप्टी कलेक्टर्स ये पैरेलल काम करते हैं और यही काम करेंगे डायरेक्टरेट्स में, एज इन द नेम ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। और उसके बाद इनके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर्स या असिस्टेंट कलेक्टर्स के नीचे जो स्टाफ है वो हैं अप्रेजर्स, अप्रेजिंग ऑफिसर्स। अप्रेजिंग ऑफिसर्स जब एक सर्टन डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ वैल्यूएशन, वहां पे जाते हैं तो उनको वैल्यूएशन ऑफिसर्स कहा जाता है। वो वहां पे वैल्यूज डिसाइड करते हैं, उस तरफ आते हैं अभी। और उसके बाद इंस्पेक्टर्स और प्रिवेंटिव ऑफिसर्स भी इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर्स के अंडर होते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने ओवरऑल देख लिया कि पाकिस्तान में बॉर्डर स्टेशंस क्या हैं, कस्टम की रिजीम किस तरह ऑर्गेनोग्राम एक तरह से वो किस तरह से काम करता है, मेजर फंक्शंस क्या हैं कस्टम्स के। उसके बाद अब आ जाते हैं हम टिपिकल जॉब रिलेटेड थिंग्स जो हैं हमारी। अब प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का काम है टू प्रिवेंट इलीगल ट्रेड, उनका मेजर काम है टू प्रिवेंट स्मगलिंग, ये एक तरह से प्रिवेंटिव के नाम से ही जाहिर है। दूसरे नंबर पे अप्रेजिंग ऑफिसर अप्रेज करते हैं क्या क्या चीजें, वैल्यू अप्रेज करते हैं और ड्यूटी टैक्सेस के हवाले से उनके उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है कि ड्यूटी टैक्सेस डिटरमिन करने हैं उन्होंने। और तीसरे नंबर पे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स जो हैं ये फील्ड की जॉब है, जिस तरह प्रिवेंटिव ऑफिसर्स फील्ड की जॉब है, अप्रेजिंग ऑफिसर ऑफिस जॉब है मेनली। और इंस्पेक्टर्स जो हैं वो मेनली उनका काम इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स है, जिस तरह एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स है, इनको फील्ड में जॉब दी जा सकती है। एज प्रिवेंटिव ऑफिसर्स भी वो सर्व कर सकते हैं, मतलब नॉट इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर्स बट एज इंस्पेक्टर डिप्यूटेड एट प्रिवेंटिव जॉब रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी सर्विस प्रिवेंटिव ऑफिसर्स वाली ली जाती है, लेकिन वो डेफिनेटली रैंक उनका इंस्पेक्टर है। अब इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर्स जो हैं ये यूनिफॉर्म जॉब्स हैं। अप्रेजिंग ऑफिसर अब तक यूनिफॉर्म जॉब नहीं थी, बट अब मोस्ट रिसेंटली ओवरऑल ग्रेड 1 से ग्रेड 21 तक सबके लिए यूनिफॉर्म अप्लाई कर दिया गया है। अब अप्रेजिंग ऑफिसर्स और
इंस्पेक्टर्स और प्रिवेंटिव ऑफिसर्स सब लोग यूनिफॉर्म ही पहनेंगे। ये हो गया। उसके बाद अब हमारा आ गया कि अप्रेजिंग ऑफिसर, अप्रेजिंग ऑफिसर्स बेसिकली जब इंपोर्ट होती है किसी भी स्टेशन पे, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स वो अप्रेजिंग ऑफिसर कर रहे होते हैं या इंस्पेक्टर्स कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एग्जामिनेशन क्या करनी है कि कंटेनर में अगर आया कार्गो या अदरवाइज लूज कार्गो आया है, तो वो उसको देखेंगे कि ये गुड्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, उनके ऊपर नोटिंग क्या है, डॉक्यूमेंट साथ में क्या है, इस तरह की चीज़ें, ये सारा एग्जामिनेशन आएगा। एग्जामिनेशन रिपोर्ट सबमिट होगी सिस्टम में, कंप्यूटराइज सिस्टम है अब पाकिस्तान कस्टम्स का, उसके हवाले से भी अभी बता देता हूँ। तो ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट फीड होती है सिस्टम में, उसके बाद अप्रेजिंग ऑफिसर जो असेसमेंट कर रहा होता है उसके पास ये रिपोर्ट जाती है। तो वो साथ में तस्वीरें भी अटैच होती हैं गुड्स की, तस्वीरें और डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के वो उस पर वैल्यू डिटरमिन करता है। वैल्यू डिटरमिन करने के भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, वो जब हम कस्टम्स एक्ट की तरफ जाएंगे अभी तो उसमें डिसाइड होगा, उसमें देखते हैं कि ये क्या है। खैर, तो असेसमेंट ऑफिसर जो अप्रेजिंग ऑफिसर है वो उसकी वैल्यू डिसाइड करेगा, वैल्यू डिटरमिन करेगा, और उसके बाद उसके ऊपर ड्यूटीज कितनी लगेंगी वो डिटरमिन करेगा। ड्यूटीज डिटरमिन करने के लिए हमारी एक स्पेसिफिक कोडिंग की डॉक्यूमेंट है, बुक है पूरी, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान टैरिफ। पाकिस्तान टैरिफ में बेसिकली हर एक गुड के हवाले से, हर एक चीज़ के हवाले से डिस्क्रिप्शन के आगे उसके रेट ऑफ ड्यूटीज उस पर क्या लागू होंगे वो दिया हुआ है। तो हमने वो टैरिफ लाइंस बेसिकली कहलाती हैं, तो उन टैरिफ लाइंस में हमने डिटरमिन करना है कि एक सर्टन डिस्क्रिप्शन किस टैरिफ लाइन में फॉल करती है और उस टैरिफ लाइन में कितनी कौन कौन सी ड्यूटीज एप्लीकेबल हैं। तो इस तरह हम उस पर ड्यूटी डिटरमिन करते हैं, पहले वैल्यू डिटरमिन कर ली और वैल्यू डिटरमिन करने के बाद उस पर ड्यूटी परसेंटेजेस कितनी होंगी वो सारा। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं बट आई एम अनेबल टू रीड दोज मैसेजेस। तो ओके, खैर मैसेजेस को बाद में देखते हैं। एनीवेज, उसके बाद ये काम है मेनली अप्रेजिंग ऑफिसर्स का। इंस्पेक्टर्स ऑन द अदर साइड दे आर मेनली रिलेटेड टू इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। एग्जामिनेशन, जिस तरह मैंने बताया कि एग्जामिनेशन उनका एक फंक्शन है, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स मे बी ऑन एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स पे काफ़ी इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं सारे एयरपोर्ट्स में मेनली, यही कार्गो रिलेटेड हैंडलिंग में कस्टम्स की उसमें हैं, एग्जामिनेशन में इंस्पेक्टर्स हैं। उसके अलावा बहुत सारी जो डिफरेंट चेक पोस्ट्स हैं हमारी, वहाँ पे इंस्पेक्टर पोस्टेड होते हैं, डिप्यूटेड होते हैं। इसी तरह कस्टम हाउसेज में जो इस तरह का काम है वो इंस्पेक्टर्स कर रहे होते हैं। फिर इंस्पेक्टर्स ही बेसिकली एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं और डिफरेंट चेक पोस्ट पे, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के डिफरेंट चेक पोस्ट पे एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज में ये है कि जैसे पंजाब में भी इंटेलिजेंस में, कस्टम्स इंटेलिजेंस में इंस्पेक्टर देयर टू, एक बहुत बड़ी मिसाल है जो हमने होगी कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बहुत ज्यादा पकड़ी जाती हैं, तो वो नॉन कस्टम यहाँ पे मेनली इंस्पेक्टर्स होते हैं, कई बार प्रिवेंटिव ऑफिसर्स भी होते हैं, बिकॉज इनकी ओवरलैपिंग जॉब है, नेचर ऑफ जॉब है। फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर्स मेनली एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज में हमारी सर्विसेज और अप्रेजमेंट सर्विसेज, ये दोनों अलहदा हैं, इनको अलहदा रखा गया है उसमें, मेनली इस वजह से कि ट्रेड को हैंडल करते हुए वो सारा का सारा अप्रेजमेंट में अप्रेजर्स देख रहे होते हैं, और उसके अलावा जो प्रिवेंटिव हैं हमारे कॉर्पोरेट डायरेक्टरेट्स, वहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स वही काम कर रहे होते हैं रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रेड। तो उसमें एक तो इस तरह की एक्टिविटीज को चेक करना, इंटेलिजेंस रखना,
और उसके अलावा मार्केट्स में इवन ये जाके उसको चेक कर रहे होते हैं कि अगर इलीगली ट्रेडेड गुड्स अगर यहाँ पे पड़ी हुई हैं तो उनको कन्फिस्केट करना, उनको सीज करना, उन पे केसेस बनाना वगैरह वगैरह, ये प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का काम है। जिस तरह मैंने बताया इंस्पेक्टर्स और प्रिवेंटिव ऑफिसर्स ये यूनिफॉर्म जॉब हैं और ये बेसिकली इनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंटली होती है। अप्रेजिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग मेनली, चूंकि वो डेस्क जॉब है मेनली और उसमें इस तरह की फील्ड रिलेटेड थिंग्स नहीं आती, तो उनकी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं होती। उनकी ट्रेनिंग मेनली किताबी शक्ल में होगी, बट फील्ड के हवाले से ट्रेनिंग जिसमें आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स में आपने गौर किया होगा अगर कि प्रिवेंटिव ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स की रिक्वायरमेंट में वही उसी तरह फौजी स्टाइल में कि जिस तरह एक फोर्स के लिए इंडक्शन होती है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स इस तरह होती हैं कि हाइट इतनी होनी चाहिए, फिजिक ऐसी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो चूंकि एक फोर्स है बाकायदा और उसके लिए एक सर्टन रिक्वायरमेंट है, तो वो उस तरह से है। ये सारा डिफरेंस है तीनों सर्विसेज का। अब फंक्शंस में टिपिकली स्पीकिंग ऑफ कस्टम्स एक्ट, वो हम अभी आगे जाके देखते हैं। मेनली पाकिस्तान कस्टम्स क्या क्या ड्यूटीज या टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, उसमें मेनली एक चीज है कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज में दो तीन तरह की ड्यूटीज होती हैं, कस्टम ड्यूटी इटसेल्फ, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटीज, ये कस्टम्स कलेक्ट करता है। उसके साथ साथ सेल्स टैक्स, एडिशनल सेल्स टैक्स, ये भी कलेक्ट कर रहे होते हैं हम। विदहोल्डिंग टैक्स जिसको इनकम टैक्स भी कहा जाता है, ये हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये सारे फेडरल टैक्सेस हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान कस्टम्स फेडरल टैक्सेस के अलावा प्रोविंशियल टैक्सेस भी कलेक्ट करता है या नहीं करता। हम कुछ प्रोविंशियल टैक्सेस भी कलेक्ट करते हैं, जैसे सेस, CEWS एक ड्यूटी है दैट इज चार्ज्ड ऑन यूजेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोविंस, तो वो प्रोविंशियल सेस हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। और उसके अलावा हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी कलेक्ट करते हैं, और अगर डिफरेंट सरचार्जेस किसी चीज पे इंपोर्ट पे अगर एप्लीकेबल हैं तो वो भी हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चार पांच तरह की ड्यूटीज हैं जो पाकिस्तान कस्टम्स कलेक्ट कर रहा होता है। ऑल्दो पाकिस्तान कस्टम्स इज मेनली रिलेटेड टू कस्टम ड्यूटीज, बट वी आर कलेक्टिंग ड्यूटीज ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल ऑन द इंपोर्ट स्टेज। इसी तरह हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज वो भी कलेक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज नॉट टिपिकल जॉब ऑफ पाकिस्तान कस्टम्स, बट ये हम नेशनल टैरिफ कमीशन NTC की बेसिस पे, हम उनकी पावर्स की बेसिस, उनकी गिवन पावर्स की बेसिस पे हम लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये मेनली ये टाइप ऑफ ड्यूटीज हैं जो हम कलेक्ट करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूटीज, टैक्सेस और सेस वगैरह में फर्क क्या है। ड्यूटी मेनली चार्ज की जाती है ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो उनकी स्पेसिफिक वैल्यू है। टैक्सेस आर कलेक्टेड, ये अब मैं कस्टम्स रिलेटेड टिपिकल डेफिनेशंस बता रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे इंटरव्यू में कस्टम रिलेटेड ही मेनली ओरिएंटेशन ऑफ द इंटरव्यू वुड बी कस्टम्स। तो ड्यूटीज कलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स आर कॉल्ड ड्यूटीज, या टैक्सेस कह लें, जो वैल्यू एडेड टैक्सेस होते हैं उनको हम ड्यूटीज कहते हैं। और टैक्सेस जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल चार्ज किसी भी चीज पे लगाती है उसको टैक्स कहा जा सकता है। ड्यूटीज आर टैक्सेस, बट ड्यूटीज टैक्सेस की एम्बिट में आती हैं, बट टैक्सेस सारे ड्यूटीज हों ये जरूरी नहीं है। टैक्सेस में और ड्यूटीज में फर्क क्यों किया जाता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स जब किसी चीज पे, इंपोर्टेड चीज पे लगाया जाएगा, तो उसमें सिर्फ उस चीज की वैल्यू शामिल नहीं होगी बल्कि उस चीज पे जो कस्टम ड्यूटी लगी है उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। तो दैट मीन्स सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड ऑन कस्टम ड्यूटी प्लस वैल्यू ऑफ द गुड्स, और जबकि कस्टम ड्यूटी इटसेल्फ इज चार्ज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। सेस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो यूजेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंस और लैंड वो चार्ज होता है। अब हम मेनली आ जाते हैं कस्टम एक्ट की। कस्टम एक्ट में
सर्टेन चीजें जो आपसे पूछी जा सकती हैं, मेनली मैंने वो कुछ हाईलाइट की हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन, अप्रेजमेंट और एनीथिंग, ठीक है, प्रिवेंटिव सर्विसेज. मेनली काम क्या है, एंटी स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड को प्रिवेंट करना और लीगल ट्रेड को एनहांस करना, फैसिलिटेट करना. उसके लिए स्मगलिंग की डेफिनेशन है सेक्शन 2S के अंदर. अच्छा, सेक्शन 2 जो है ये कस्टम्स टैरिफ का डेफिनेशंस हैं. इसमें आपने डेफिनेशन जरूर याद कर लेनी है, ये सेक्शन 2 तो आप लोगों ने जरूर पढ़ना है. इसमें सेक्शन 2S में वो सारी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो इलीगली हो रही हो. इलीगली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट क्यों होंगी, जाहिर है उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी ड्यूटीज हैं जिनको प्रिवेंट किया जा रहा है, जिनको अवॉइड किया जा रहा है, या उसकी कोई रेगुलेशंस हैं जिनको अवॉइड किया जा रहा है. तो प्रिवेंशन, सॉरी, स्मगलिंग जो है वो दो चीजों की वजह से होगी. एक टू सेव ड्यूटीज, कोई भी स्मगलर जो है वो ड्यूटीज बचाना चाहता है, या वो ऐसी चीज इंपोर्ट करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशंस हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन रेगुलेशंस को अवॉइड करके लाना चाह रहा है. फॉर एग्जांपल एक चीज है, बीटल नट्स आते हैं. बीटल नट्स पे क्राइटेरिया है उनकी हेल्दीनेस का, उनके सेहतमंद होने का. उसको अक्सर फंगस इन्फेक्शन हुए होते हैं उसके ऊपर, और वो ले आते हैं और दे आर नॉट हेल्दी. बेसिकली वो रेवेन्यू तो बचा ही रहे होते हैं, साथ में उसकी जो रेगुलेशंस हैं उनको अवॉइड कर रहे होते हैं. इसी तरह बहुत सारी चीजें जो कंटेनर्स में छुपा के लाई जाती हैं वो रेवेन्यू बचाने के लिए की जाती हैं. क्वांटिटी मिसडिक्लेयर की जाती है, वो भी रेवेन्यू अवॉइड करने के लिए किया जाता है. ये सारी चीजें हैं. इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि आपसे पूछ सकते हैं, जी पाकिस्तान की कोई भी 4-5 चीजें ऐसी बताएं जो स्मगल्ड होके आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बहुत ज्यादा स्मगल होके आती हैं, जो आए रोज हम देखते हैं सुनते हैं सोसाइटी में कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी गई हैं इसके लिए. तो कोई याद रखने की चीज नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की चीज है कि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आती हैं. फिर नार्कोटिक्स आती हैं, कोई भी ड्रग पाकिस्तान में अवेलेबल होती है तो वो अनलेस के पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हो, वो स्मगल होके ही बाहर से कहीं से आ रही होगी. तो इसी तरह लीकर बाहर से स्मगल होके आता है, बिकॉज दैट इज नॉट लीगली इम्पोर्टेबल इन टू पाकिस्तान बाय पाकिस्तानीज. उसमें सर्टन एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, जैसे एम्बेसीज वगैरह वो अपने यूजेज के हिसाब से मंगवा सकती हैं, बिकॉज दे आर नॉट अंडर पाकिस्तानी लॉज. उसके अलावा एंटीक्स का आपको शायद आइडिया होगा, एक बहुत पुराना और मशहूर केस था, इमरान खान से रिलेटेड था वो, खैर सबके नॉलेज में होगा. उसके अलावा करंसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आने के बाद और उसके बाद उस खासतौर पर FATF के हवाले से आप सब लोगों ने करंसी की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सुना होगा और वो सबको याद होगा. ये ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो हम सब को ऑलरेडी पता होती हैं, तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ कि इसमें आपको इंटरव्यू में रिकॉल करने की और वो सोचना पड़ता है, वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सारी हमारी सामने की चीजें हैं, देखने की चीजें. फिर इसी तरह हम लोग सुनते हैं ईरानी पेट्रोल या डीजल आ रहा होता है, बहुत जगहों पर बिक रहा होता है, तो वो भी स्मगल्ड है. अदरवाइज हमारी जो रिफाइनरीज वगैरह हैं वो लीगली इम्पोर्ट करती हैं. ये हो गया. अब स्मगलिंग होती क्यों है? स्मगलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेवेन्यू अवॉइड करने के लिए होती है. रेवेन्यू से मुराद है ड्यूटीज अवॉइड करने के लिए होती हैं. कोई भी बाहर से महंगा आइटम ला रहे हैं तो वो उसके ऊपर, गाड़ियों की हमने मिसाल ली तो गाड़ियों के ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज हैं, खासतौर पर लग्जरी गाड़ियों के ऊपर, उनको अवॉइड करने के लिए. सेकेंडली बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस को अवॉइड करने के लिए. पाकिस्तान में PSQCA जो है वो एक डिपार्टमेंट है बाकायदा क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से, उसकी रेगुलेशंस हैं जो पाकिस्तान कस्टम्स इंपोर्ट स्टेज पे अप्लाई करता है, उन रेगुलेशंस को अवॉइड करने के लिए. उन्हीं में से एक रेगुलेशन जो बीटल नट की मैंने एग्जांपल दी उसके हवाले से था. उसके बाद
अब स्मगलिंग कम करने के लिए पूछा जा सकता है, कोई से तीन या पांच इस तरह से पूछ लेते हैं कि तरीके बताएं कि स्मगलिंग को कम किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर हमारी उस तरह से मैनेज्ड नहीं है, वेल मैनेज्ड नहीं है जिस तरह से मॉडर्न नेशंस के होते हैं, और वहाँ से स्मगलिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा चांस होता है हमारे, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर्स, यहाँ से स्मगलिंग होती है, और वो ऐसे रूट से होती है जो अननोन होते हैं, जो कंट्रोलेबल नहीं होता पाकिस्तानी एजेंसीज के हवाले से, फोर्सेस के हवाले से, वो रूट्स ही इस तरह से हैं। अच्छा, वहाँ पे उनकी बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छी की जाए, फॉर एग्जांपल अभी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे बाढ़ लग रही है, तो इससे स्मगलिंग बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह नंबर टू, एंटी स्मगलिंग ड्राइव्स, अभी इस गवर्नमेंट ने एंटी स्मगलिंग ड्राइव शुरू की है लास्ट सिक्स मंथ्स में या वन ईयर से, तो उसमें इन्होंने कस्टम्स को, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को या बाकी एजेंसीज को इसी तरह बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया है ताकि स्मगलर्स को डिस्करेज किया जा सके और पाकिस्तान में लीगल ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके। ये एक अच्छा स्टेप है। और उसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा शेयर होना चाहिए बिटवीन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल चाइना के साथ हमारी शेयरिंग है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डाटा की, तो उसमें ये होता है कि चाइना हमें अपनी एक्सपोर्ट का डाटा देता है और हम अपनी इम्पोर्ट का डाटा देखते हैं कि चाइना ने अगर $100 की चीज एक्सपोर्ट की है और हमारे यहाँ हमारे ट्रेडर्स उसको $80 की चीज दिखा रहे हैं, तो वी कैन कंपेयर कि ये $20 के बीच में स्मगलिंग हो रही है, और उसको हम चेक कर सकते हैं, उसको हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी कंट्रीज के साथ भी इसको एनकरेज किया जाना चाहिए कि डेटा शेयरिंग हो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्मगलिंग को कर्टेल कर सकें। इसी तरह एक और टाइप ऑफ स्मगलिंग है, दैट इज अंडर इनवॉइसिंग। फॉर एग्जाम्पल $100 की चीज है, उसको यहाँ पे ट्रेडर कहता है कि मुझे $50 की मिली है, अब उसको जब अप्रेजमेंट होगी उसकी, उस पर ड्यूटीज लगाई जाएंगी, तो वो $50 के हिसाब से लगेंगी, जाहिर है उसको 50% कट मिल रहा है ड्यूटीज पे, तो ये भी एक तरह से स्मगलिंग है। स्मगलिंग की डेफिनेशन सेक्शन 2S में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि कोई भी इलीगल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रॉम और इन टू पाकिस्तान टू अवॉइड लीगल पेमेंट्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये भी एक तरह की हुडविंकिंग बाय द ट्रेडर्स है, जिससे वो अपने लेजिटिमेट रेवेन्यू को पे नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एंटी स्मगलिंग चेक्स में एक ये भी आ जाता है कि अंडर इनवॉइसिंग चेक की जा सके, और वो जब ट्रेड का डेटा शेयर होगा बिटवीन कंट्रीज तो उसमें अंडर इनवॉइसिंग काफी हद तक चेक हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो हो रही है, ये भी कस्टम्स एक्ट के अंडर ही हो रही है, हमारी भी उसी तरह से सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स एक्ट है। ये हमने सेक्शन 2 की अभी बात की स्मगलिंग के हवाले से, और वो सारा वो सेक्शन 2S की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे स्मगलिंग की। अब सेक्शन 3 है, उसमें FBR के पास पावर्स हैं कि वो अपॉइंट कर सकते हैं कोई भी ऑफिसर्स, और उसके बाद यूनिफॉर्म सर्विस है, उसके हवाले से पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म आप लोगों का किसी लीगल एम्बिट में आता है या नहीं, तो सेक्शन 8A है जिसके तहत आप यूनिफॉर्म पहनते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स एंड पाकिस्तान कस्टम्स इंस्पेक्टर्स, उसके बाद अब तो खैर वो सारों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। फिर कस्टम स्टेशंस डिक्लेयर किए जाते हैं, वो सेक्शन 9 के तहत किए जाते हैं, और सेक्शन 10 के तहत कस्टम्स एरिया डिक्लेयर किया जाता है। सेक्शन 9 और 10 ये रिलेटेड ही हैं। कस्टम स्टेशंस क्या हैं या पोर्ट्स क्या हैं, पोर्ट्स और कस्टम स्टेशंस वो सारे डिक्लेयर्ड एरियाज और प्लेसेस जो पाकिस्तान कस्टम्स ने FBR ने डिक्लेयर किया है, जहां पे गुड्स आएंगी बाहर से या बाहर जाने वाली गुड्स वहां पे पहुंचेंगी और वहां से शिपमेंट होगी उनकी, और वहां पे ड्यूटी टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जाएंगे, वो कस्टम स्टेशंस या पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स कहलाएंगे। और कस्टम एरिया क्या है, वो कस्टम स्टेशन पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स का वो वाला एरिया जहाँ पे चीजें रखी जाएंगी, स्टोर की जाएंगी, और वहां से वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होंगी, वो कस्टम एरिया कहलाएगा। इसी तरह वेयर हाउसेज होते हैं जिनको लाइसेंसेज दिए जाते हैं बाय पाकिस्तान कस्टम्स,
और वो इनको वहाँ पे चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, वहाँ से बाहर से लाई गई इम्पोर्ट्स भी वहाँ पे स्टोर हो सकती हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी वहाँ पे चीज़ें रखी जा सकती हैं फॉर द टाइम बीइंग। फिर अभी हम स्मगलिंग की बात कर रहे थे, तो सेक्शन 15 भी स्मगलिंग के हवाले से प्रोहिबिशंस की पूरी लिस्ट देता है उसमें ये कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं ले जाई जा सकती, लाई जा सकती इन टू और आउट ऑफ पाकिस्तान। उसमें काउंटरफीट गुड्स हैं, कोई भी जेली चीज़ें बनी हुई, उसमें हमारी ये जो आता है अपना ब्रांडेड चीज़ें हैं उनकी कॉपीज आ जाती हैं, दो नंबर ब्रांड्स आते हैं, वो सारे काउंटरफीट गुड्स हैं, वो पाकिस्तान में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट उसकी लीगल नहीं है, तो उनको भी चेक करना वो स्मगलिंग के उसमें एम्बिट में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 17 आ गया जिसमें डिटेल दी हुई है कि ये जो प्रोहिबिटेड गुड्स हैं सेक्शन 15 के तहत इनको हमने किस तरह से चेक करना है, कन्फिस्केट करना है, डिटेन करना है, सीजर करना है इनका वगैरह वगैरह, ये उसमें पावर्स दी गई। फिर कौन सी गुड्स ड्यूटीएबल होंगी, कौन सी गुड्स के ऊपर ड्यूटीज चार्ज करनी है, वो सेक्शन 18 में है। रेट ऑफ ड्यूटीज क्या होंगे कि किस चीज़ पे हमने 20% कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करनी है, किस चीज़ पे 0% कलेक्ट करनी है वगैरह वगैरह, इसके हवाले से जो मेन गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं या लॉ है वो सेक्शन 18 सी में दिया गया है। फिर सेक्शन 19 सी में एक मजे की चीज़ है जो आप लोग मे बी इंटरेस्टेड हों जानने के लिए, वो ये कि मिनिमल ड्यूटीज टू बी कलेक्टेड किसी भी आइटम पे कम से कम कितनी ड्यूटी हम छोड़ सकते हैं, जो पाकिस्तान कस्टम्स कहता है कि यार ये रहने दो ये तो कलेक्ट ही करने वाली नहीं है ड्यूटी, वैसे ही बहुत कम वैल्यू की है, तो किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में 500 रुपये से कम होगी तो उसके ऊपर ड्यूटीज चार्ज नहीं की जाएंगी, ये सेक्शन 19 सी के तहत है। फिर अभी भी हम डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स के हवाले से बात कर रहे थे अप्रेजिंग ऑफिसर्स के हवाले से, तो सेक्शन 25 है जिसमें प्रॉपर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है हमने, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट गुड्स या एक्सपोर्ट गुड्स जो है वो सेक्शन 25 में दिया गया है। इसके साथ साथ एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ वैल्यूएशन कस्टम्स वैल्यूएशन बनाया गया है जिसमें अगर कोई भी चीज़ की वैल्यू डिटर्मिनेशन के हवाले से रेफर किया जाएगा केस तो वो वहाँ पे वैल्यू डिटर्मिन करेंगे उसकी, वो एप्लीकेबल होगी और फोर्सेबल होगी सारे पाकिस्तान में, वो भी इसी सेक्शन 25 के तहत ही बनाया गया। अब इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज में अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताएं जी कोई क्राइटेरिया बताएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो इंपोर्ट वैल्यू इंपोर्टर खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं ये चीज़ इतने डॉलर्स में इतने रुपीस में लाया हूँ, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए एज इट इज़, तो वो भी हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है, अनलेस के वी हैव रीजंस टू डाउट इट, कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ मेरा कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है और वो मुझे सस्ती चीज़ दे रहा है जबकि मार्केट में वो चीज़ इतनी सस्ती मुझे नहीं मिलनी थी, तो यहाँ पे बैठा हुआ अप्रेजर उस चीज़ अप्रेजिंग ऑफिसर उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर सकता है, उस चीज़ को कह सकता है कि नहीं ये आम ट्रेड वाली वैल्यू नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड वैल्यू है। इसी तरह ये ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट करने के हवाले से बता रहा हूँ। फिर अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो गई है तो फिर देन व्हाट वी हैव देन आइडेंटिकल गुड्स जो आ रही हैं सेम टाइम पीरियड में, सिमिलर टाइम पीरियड में, उस उन पे क्या वैल्यू लग रही है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है फिर सिमिलर गुड्स के हवाले से आ जाएगा, पहले तो आइडेंटिकल गुड्स को देखेंगे फिर सिमिलर गुड्स पे के इस जैसी चीज़ों की क्या वैल्यू लग रही है, वो नहीं तो फिर उसके बाद हम डिडक्टिव मेथड पे आ जाते हैं, वो इंक्वायरी है प्रॉपरली कि मार्केट में एक चीज़ सर्टन प्राइस पे अवेलेबल है, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन निकाल देते हैं, वेयर हाउसिंग निकाल देते हैं, बाकी एक्सपेंडिचर्स निकाल देते हैं, तो उसमें हमारे पास इंपोर्ट स्टेज पे वैल्यू क्या होगी वो आ जाता है। इसी तरह कंप्यूटेड वैल्यू है, फिर फॉल बैक मेथड है, ये जस्ट अभी चूंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत है,
फॉर दिस इंटरव्यू, क्योंकि अभी आप लोग पाकिस्तान कस्टम्स का हिस्सा इंशाल्लाह बनेंगे, बट अभी नहीं है, तो किसी को ये जरूरी नहीं है कि ये सारी डिटेल्स इतनी ज्यादा इसकी पता होनी चाहिए. तो इट इज ओनली फॉर एन इंट्रोडक्शन टू द थिंग्स, के वहां पे अगर पूछा जाए तो यू मे हैव द आइडिया. फिर उसके बाद सेक्शन 30 है, जो रेट ऑफ डिटर्मिनेशन, रेट ऑफ ड्यूटी की डेट डिटर्मिन करता है कि रेट ऑफ ड्यूटी, फॉर एग्जांपल हर साल एक नया टैरिफ आता है, फाइनेंस एक्ट के अंदर तब्दीलियां आती हैं जब भी बजट पास होता है, उसके साथ फाइनेंस एक्ट पास होता है, उसमें कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, रेट ऑफ ड्यूटीज चेंज हो सकते हैं. तो 31 जून को और 1 जुलाई को देयर मे बी अ डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटीज ऑन द सेम गुड्स. तो फिर हम डेट ऑफ ड्यूटीज चेंज कैसे करते हैं, डिटरमिन कैसे करते हैं कि कौन सी रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, वो उसकी गुड्स डिक्लेरेशन की डेट पे हम डिसाइड करेंगे कि उस डेट पे जो रेट ऑफ ड्यूटी था वो क्या था. जब भी बाहर से कोई चीजें आती हैं तो एक गुड्स डिक्लेरेशन, वो खैर आगे आ जाता है इसी कस्टम्स एक्ट में, वो गुड्स डिक्लेरेशन देना होता है और उसमें डिटेल होती है कि क्या कुछ इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फिर आगे प्रोसेस किया जाता है. अगर ये सारी स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये फॉल्स हों, ये कोई पिल्फरेज्ड डॉक्यूमेंट्स हों, तो फिर उसके लिए हमारे कानून में, एक्ट में क्या चीज है, वो सेक्शन 32 के अंदर आता है. उसमें क्या क्या चीज फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर आएगी, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएगी, वो सेक्शन 2 में 32 में है. फिर फिस्कल फ्रॉड के हवाले से, कोई भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो के चीजों को मैनेज करके पाकिस्तान कस्टम्स को आंखों में धूल झोंक रहा हो, उसको रेवेन्यू, लीगल रेवेन्यू जो है उसको अवॉइड कर रहा हो, और ये एक अगर सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा हो, तो उसको हम फिस्कल फ्रॉड के एम्बिट में लेके आते हैं, वो सेक्शन 32 ए है. फिर सेक्शन 79 पे चले जाते हैं. सेक्शन 79 के तहत कोई भी इंपोर्टर बाहर से मंगवाई हुई चीजों को फाइल करता है पाकिस्तान कस्टम्स के कंप्यूटराइज सिस्टम में कि मैं बाहर से ये चीजें लाया हूँ, ये क्वांटिटी है, ये बाकी डिटेल्स हैं उसकी, वो सेक्शन 79 के तहत डिक्लेयर करता है उस चीज को, उस डॉक्यूमेंट को गुड्स डिक्लेरेशन कहते हैं. अप्रेजिंग ऑफिसर्स जो पाकिस्तान कस्टम्स का हिस्सा बनेंगे आप में से इंशाल्लाह, वो तो वो खुद क्या, उनके घर वाले भी जान जाएंगे कि जीडी क्या चीज होती है. जीडी मींस गुड्स डिक्लेरेशन. वो रोज ही इतनी ज्यादा डिटेल में हम जीडी कर रहे होते हैं, खैर, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द जॉब. तो वो गुड्स डिक्लेरेशन है, वो डिटेल बताती है कि ये क्या है, और दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्पोर्टर कि वो ट्रू डिक्लेरेशन पेश करें. अगर वो ट्रू डिक्लेरेशन नहीं करता तो उसके ऊपर सर्टेन पेनल्टीज वगैरह है. अच्छा, अब ये सेक्शन 79 में उसने गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करनी है. सेक्शन 80 में यही चीज पाकिस्तान कस्टम्स के सर्टेन ऑफिसर्स, जो मेनली अप्रेजिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, वैल्यू ठीक दी हुई है, क्वांटिटी ठीक दी हुई है, एग्जामिन फॉर एग्जाम्पल करवा लेते हैं उसको, एग्जामिन हो गया तो उसमें क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं. फिर वैल्यू सही है, सही टैरिफ लाइन में डिक्लेयर किया हुआ है, रेट ऑफ ड्यूटीज उसने सही डिक्लेयर किया हुआ है, ये सारी चीजें वेरीफाई कर लेता है पाकिस्तान कस्टम्स का सर्टेन ऑफिसर. उन चीजों को वेरीफाई करने के बाद अगर वो ठीक है तो उनको ओके कर देता, अगर वो ठीक नहीं है तो उन पे फर्दर मिस डिक्लेरेशन बनाई जा सकती है. मिस डिक्लेरेशन बनाने के बाद केस एडजुडिकेट होता है. एडजुडिकेट होने के बाद अगर उस पे वो चार्ज जो लगाया था अप्रेजिंग ऑफिसर ने वो अगर साबित हो गया तो उसके तहत पेनल्टीज लगती हैं, जो भी चार्ज होगा. फॉर एग्जांपल क्वांटिटी सही नहीं बताई हुई, फॉर एग्जांपल वैल्यू ठीक नहीं दी हुई, या डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं दी हुई, या टैरिफ लाइन सही डिटरमिन नहीं की हुई,
तो ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ, या ओरिजिन जो है वो गलत बताया हुआ है गुड्स का, सस्ते ओरिजिन से बता दिया है, बताया है कि हमारी चीजें चाइना से आई हैं जबकि वो यूरोपियन ओरिजिन की हैं, हाई क्वालिटी हैं, ये वो, ये सारी चीजें जो हैं ये आ जाती हैं उस चेकिंग के टाइम पे पता चल जाती हैं और कॉन्ट्रावेंशन का हिस्सा बन सकती हैं। फिर इसमें एक ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ गया, पाकिस्तान कस्टम्स के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि ये एक सर्टन वैल्यू है, इस पे सर्टन रेट ऑफ ड्यूटीज लगने हैं, जबकि इम्पोर्टर का कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं जी ये वाला नहीं लगना, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। इन सच केसेस चीजें एडजुडिकेशन में चली जाती हैं, पेंडिंग हो जाता है, इट मे टेक टाइम। तो इम्पोर्टर्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी कि आप प्रोविजनली हमें ये चीजें रिलीज कर दें और हमारी जो आपके क्लेम है, जो पाकिस्तान कस्टम्स का क्लेम है कि इतनी ड्यूटीज बनती हैं, वो हमसे एज सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट रख लें। सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट में पोस्ट डेटेड चेक हो सकता है, बैंक गारंटी हो सकती है, कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो पाकिस्तान कस्टम्स वो डीम वैलिड, तो वो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट रखा जा सकता है। और ये चीज प्रोविजनल अलाउ वाला जो है ये सेक्शन 81 के तहत होता है। सेक्शन 79 में वो जीडी फाइल करता है, गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करता है, सेक्शन 80 में कस्टम्स ऑफिसर उसको चेक करता है, उसको वेरीफाई करता है, सेक्शन 81 में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो बिटवीन कस्टम्स एंड इंपोर्टर तो उस टाइम पे प्रोविजनली रिलीज किया जा सकता है। राइट जी, यू मे कंटिन्यू सर नाउ। थैंक यू, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस डिस्कनेक्शन की वजह से। हम लोग अभी बात कर रहे थे सेक्शन 79 में हम लोग लेते हैं इंपोर्टर से उसकी डिक्लेरेशन लेते हैं, सेक्शन 80 में हम फर्दर उसको वेरीफाई करते हैं, और सेक्शन 81 में किसी भी कन्फ्लिक्ट की शक्ल में इफ पाकिस्तान कस्टम्स अलाउज तो प्रोविजनली रिलीज कर सकते हैं। फिर ये जरूरी नहीं है कि एक पोर्ट पे चीज आई है तो उसको उसी पोर्ट पे ही जो है वो चेक किया जाए और उसी पोर्ट पे वो सारी डिटरमिनेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह हो। फॉर एग्जांपल कोई भी लाहौर का इंपोर्टर है, वो कराची पोर्ट पे ले आया है चीजें, बट ही वांट्स के पाकिस्तान कस्टम्स इसको लाहौर में जाके असेसमेंट करे और वहां पे उसकी चीजें उसको मिले, तो वो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट की गुड्स डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है। गुड्स डिक्लेरेशन डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, होम कंजम्पशन के लिए हो सकती हैं, ट्रांसशिपमेंट के लिए हो सकती हैं, ट्रांजिट की हो सकती है, इसी तरह बाकी भी। तो ये ट्रांसशिपमेंट जो है ये अलाउ होती है सेक्शन 121 के तहत। फिर इसी तरह ट्रांजिट ट्रेड है, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान का ट्रेड कराची पोर्ट पे, गवादर पोर्ट पे, या इस तरह से ग्वादर पोर्ट पे आजकल यूरिया ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हो रहा है, वो अफगानिस्तान जाता है ट्रांजिट के लिए, पाकिस्तान लाते हैं ग्वादर पोर्ट पे और फिर उसके बाद अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो जाता है, वो सेक्शन 129 के तहत होता है। एक्सपोर्ट को डील करने वाले सेक्शन ये अभी तक हम जो बात कर रहे थे इम्पोर्ट के हवाले से कर रहे थे। आप लोग भी यू मे बी वंडरिंग के एक्सपोर्ट को इतना क्यों नहीं हम बात कर रहे। एक्सपोर्ट के हवाले से यही सारी चीजें डिटरमिन होती हैं, जो गवर्न करता है लॉज वो सेक्शन 132-138 करता है। इसमें एक मजे की डेफिनेशन आती है एक चीज की, विच मे बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज, फ्रस्ट्रेटेड कार्गो। फ्रस्ट्रेटेड कार्गो क्या होता है, ये सेक्शन 138 में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है और बताया हुआ कि हाउ टू डील विद इट। उसमें ये होता है कि बाहर से कोई भी इंपोर्टर कार्गो लाया है, गलती से आ गया है, या इंपोर्ट कुछ और करना था, वहां से एक्सपोर्टर ने कुछ और भेज दिया है, यहाँ वाला हो सकता है कि वहां से चीज सही आ गई है और यहाँ वाला कह रहा है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, इसको क्लियर करूं मैं, ड्यूटी पे करूं, तो ये डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं फ्रस्ट्रेटेड कार्गो की। अब वो कार्गो पाकिस्तानी पोर्ट पे पड़ा हुआ है, इट मे बी एनीथिंग, तो उसको पाकिस्तान कस्टम्स क्या डील करेगा, कैसे डील करेगा।
अगर तो उसके बारे में कोई भी बंदा एप्लीकेशन दे देता है पाकिस्तान कस्टम्स को कि इसको मैंने वापस भेजना है, आई एम नॉट टेकिंग इट, तो उसको पाकिस्तान कस्टम्स सेक्शन 138 के तहत अलाउ कर देता है, और वो प्रोसीजर है उसका, वो वापस एक्सपोर्ट हो जाता है विदाउट पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटीज। पाकिस्तान आया, पाकिस्तानी पोर्ट पे पड़ा हुआ था, वहां से ही वापस एक्सपोर्ट हो गया। बट अगर उसको क्लेम नहीं किया जाता तो उसको ओवरटेक कर लेगा पाकिस्तान कस्टम्स, और इट कैन बी इधर इफ इट इज डिस्ट्रॉयबल, जो पाकिस्तान में इम्पोर्टेबल गुड्स नहीं है वो हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, अदरवाइज इसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान कंप्यूटराइज्ड सिस्टम सेक्शन 155 पूरे का पूरा, सेक्शन 155 ए टू सेक्शन 155 आर, ये सारा पाकिस्तान कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के हवाले से। पाकिस्तान में जो कस्टम्स है ये पहले सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पेपर पे होती थी, फाइल्स होती थी, इस तरह का पेपर वाला सिस्टम था, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं था ये अप टू 90s एंड अर्ली 2000। फिर उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट फेजेस में कंप्यूटराइज्ड किया गया। तो उसमें पहले जो था वो वन कस्टम था, फिर पैक्स आया, फिर PACS, उसके बाद अभी करंटली जो सिस्टम चल रहा है दैट इज VBOC। VBOC इज वेब बेस्ड वन कस्टम्स। इसमें सारा का सारा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत होता है, और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई हैं फॉर क्लियरेंस, फॉर टाइमली क्लियरेंस ऑफ गुड्स। उसमें नाम दिया गया है ग्रीन चैनल, येलो चैनल और रेड चैनल का। ग्रीन चैनल वो इंपोर्टर्स को मिलता है, उन इंपोर्टर्स को मिलता है जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। पाकिस्तान कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें देखता रहता है, डिटरमिन करता रहता है कौन सी इंपोर्टर की प्रोफाइल कैसी है, वो प्रोफाइलिंग करता रहता है, और ऑटोमेटिकली इट इज नॉट लिंक विद एनी मैनुअल इंटरवेंशन। उसमें क्राइटेरिया दिए हुए हैं दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी क्राइटेरिया। उसमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि किन किन चीज़ों को चेक करना है, वो सारे उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उनको चेक करते हैं, और उसके बाद वो सिस्टम डिटरमिन करता है कि किसी इंपोर्टर की प्रोफाइल कैसी है, उसको येलो चैनल में डालना है, उसको ग्रीन चैनल में डालना है, उसको रेड चैनल में डालना है, इन तीनों का फर्क क्या है। दिस इज ओनली विद इन द कंप्यूटराइज सिस्टम, ये ऐसा नहीं है कि कोई चैनल है, गुजरने का रास्ता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। वो ग्रीन चैनल क्या है, ग्रीन चैनल में वो सारी इंपोर्ट आती है जिसको कस्टम्स इंटरवेन नहीं करता, कस्टम्स उसको इंटेलिजेंस बेस्ड इंटरवेंशन कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको चेक कर सकता है, उसको डिटरमिनेशन कर सकता है, लेकिन जनरली ये चीज़ें पोर्ट पे आती हैं ऑटोमेटिकली, इनको इंपोर्टर खुद अपनी डिक्लेरेशन देते हैं, सिस्टम उनको एक्सेप्ट करता है और वो अपनी ड्यूटीज। जी आप स्टार्ट कर लें। जी हम लोग बात कर रहे थे एक्सपोर्ट रिलेटेड जी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की, पाकिस्तान का कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। उसमें VBOC में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली चीजों को एक सर्टेन लेवल पे डील करता है, और उसका जो क्राइटेरिया है दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी क्राइटेरिया। सिलेक्टिविटी क्राइटेरिया के तहत वो ऑटोमेटिकली अपने सर्टेन पैरामीटर्स को चेक करते हुए चीज़ों को प्रोफाइलिंग कर लेता है, उनकी इंपोर्टर्स की चीज़ों की, आइटम्स की वगैरह वगैरह, और उसके तहत कुछ चीज़ें हैं जो राइट अवे क्लियर हो जाती हैं एज गुड्स डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। उसको मजीद कस्टम्स चेक नहीं करता, उसकी प्रोफाइल बेस्ड सिस्टम उसको डिटरमिन करता है कि दीज आर रिलायबल इंपोर्टर्स और आइटम्स, तो उनको राइट अवे क्लियर कर देता है, और लोग आए अपना गुड्स डिक्लेरेशन फाइल हुई है, उसको सिस्टम ने इस तरह से ग्रीन चैनल में क्लियर किया है, और उसके बाद उसको वैसे ही इंपोर्टर्स अपने उसको फर्दर शिपिंग कर लें जिस तरह से भी उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना उसको।
दूसरा होता है येलो चैनल. येलो चैनल में गुड्स डिक्लेरेशन जो है दैट गोज टू द क्या इसको कहते हैं अप्रेजमेंट, वो अप्रेजमेंट में असेसमेंट के लिए जाता है. असेसमेंट में उसको असेस करने के लिए असेस करने के लिए एक अप्रेजिंग ऑफिसर उसको चेक कर लेता है कि इसने गुड्स डिक्लेरेशन सही दी है, कोई चीज डाउटफुल तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स डाउटफुल नहीं है वगैरह वगैरह. अगर वो सारी चीजें क्लियर हों तो उसको एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, वो वहीं से उसको क्लियर कर देता है. अगर कोई चीज डाउटफुल उसको लगती है कि कोई डॉक्यूमेंट डाउटफुल है या डिस्क्रिप्शन उसने वेग सी दी है या इस तरह की कोई चीज चेक करने के काबिल है, तो वो उसको एग्जामिनेशन के लिए रेफर कर देता है और वो रेड चैनल में चली जाती है. रेड चैनल दैट मीन्स के वो प्रोफाइल्स, वो चीजें जिनको सिस्टम रिलायबल कंसीडर नहीं करता और सिस्टम उनको राइट अवे एग्जामिनेशन के लिए मार्क कर देता है, तो उन चीजों की, उन आइटम्स की एग्जामिनेशन जरूरी होती है. उनको कंटेनर ग्राउंड होंगे, अदरवाइज कंटेनर पोर्ट पे पड़े रहेंगे. येलो चैनल या ग्रीन चैनल में कंटेनर पोर्ट पे होते हैं और उनकी चेकिंग नहीं होती. रेड चैनल में चीजों की बकायदा एग्जामिनेशन होती है, कंटेनर्स खोल के देखे जाते हैं, उनको सामान बाहर निकाला जाता है प्रॉपर चेक होके उसकी. जिस तरह से पहले सेक्शन 80 के हवाले से मैंने बताया कि अप्रेजमेंट होती है, पहले एग्जामिनेशन होती है और उसके बाद असेसमेंट होती है, और ये बेसिकली अप्रेजिंग ऑफिसर्स का काम है. ये हो जाता है, ये पाकिस्तान कंप्यूटराइज सिस्टम के हवाले से. उसके बाद सेक्शन 155 की हमने बात कर ली, ओवरऑल गवर्न करता है पाकिस्तान कंप्यूटराइज सिस्टम को. फिर सेक्शन 156 है. सेक्शन 156 में मेनली पेनल्टीज हैं, ऑफेंसेस दिए हुए हैं और पेनल्टीज हैं. ऑफेंसेस किस तरह के ऑफेंस में क्या चीज़ होगी, उसको किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा, कौन से ऑफेंस पे कौन सी पेनल्टी पड़ेगी, कौन से ऑफेंस पे क्या पेनल्टीज हो सकती हैं, पॉसिबल पेनल्टीज वगैरह वगैरह, वो सेक्शन 155 में बहुत डिटेल से. किसी भी सेक्शन ऑफ कस्टम्स एक्ट को कॉन्ट्रावेन करने के हवाले से जो जो पेनल्टीज हैं वो सारी उसमें डिटेल में दी हुई है. सेक्शन 156 इज द वन दैट टेल्स अस अबाउट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. ठीक हो गया, अब मेनली काम आ गया. ये अप्रेजमेंट के हवाले से तो काफी डिटेल से बात हो गई, अप्रेजिंग ऑफिसर्स के हवाले से, उनकी पावर्स के हवाले से मजीद भी अभी आएंगी चीजें. अब मेनली काम शुरू होता है इंस्पेक्टर्स का, कस्टम्स एक्ट के हवाले से, इंस्पेक्टर्स एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर्स. फॉर एग्जांपल किसी चेक पोस्ट पे हैं, किसी इस तरह के कस्टम स्टेशन पे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड वो जो है अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, या फील्ड में जो है वो किसी भी जगह पे पोस्टेड हैं, डेप्यूटेड हैं, तो वहां पे उनके पास पावर्स क्या क्या हैं, उन पावर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, उन पावर्स से उन्होंने फर्दर उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सारी चीजें सेक्शन 158 ऑनवर्ड्स डिस्कस होती हैं. सेक्शन 158 में पावर है टू सर्च, किसी की भी तलाशी लेनी है, व्हीकल की, बसेस की, पर्संस की तलाशी लेने की पावर सेक्शन 158 में है. फिर उसके बाद अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसकी पावर 161 में दी हुई है, वो भी अप्रोप्रिएट ऑफिसर. अप्रोप्रिएट ऑफिसर का जिक्र होता है कस्टम्स एक्ट में जगह जगह. अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स के हवाले से बकायदा अलग से एक SRO या CGO दिया हुआ है, जिसमें बकायदा बताया गया है कि कौन से सेक्शन में अप्रोप्रिएट ऑफिसर से मुराद कौन सा ऑफिसर है. तो ये पावर्स हैं 161 में कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है. 162 में पावर्स हैं कि उसको वारंट इशू किया जाएगा. वारंट इशू जो है वो मेनली वहां का मैजिस्ट्रेट करता है, और उसके बाद फिर पावर्स टू सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट जो है वो सेक्शन 153 में है. सेक्शन 153 में अब साथ में रीजंस भी होनी चाहिए. अगर जिस तरह पुलिस का काम होता है बेसिकली कस्टम्स रिलेटेड एक्टिविटीज में, यही इंस्पेक्टर्स एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का काम है. अब उसमें अगर विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करना है या किसी को सर्च करना है, तो उसमें रीजन, मेनली रीजन ये होनी चाहिए कि हो सकता है ये एविडेंस, ये गुड्स, ये डॉक्यूमेंट्स
ये डिस्ट्रॉय कर दे, इनको कहीं छुपा दे, इनको जाया कर दे, तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए विदाउट वारंट भी इनको सर्च किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। फिर वो चीजें जो सर्च की गई हैं उनको पकड़ तो लिया हमने, उसको फर्दर क्या करना है, उसको सीज करना है। सीज मतलब अपने कंट्रोल में लेना है। एक चीज बहुत ज्यादा मे भी पूछी जाए इंस्पेक्टर से और हमारे जो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं उनसे कि सीजर और कन्फिस्केशन में और डिटेंशन में क्या फर्क है। डिटेंशन में आपने चीजें अपने कंट्रोल में ले ली हैं, रोक ली हैं और वो आपके पास चेक पोस्ट पे या किसी भी कस्टम स्टेशन पे किसी भी जगह पे आपने उनको रोका है, उनको डिटेन कर लिया, उनको अपनी हवालगी में ले लिया बेसिकली। और उसके बाद सीजर है, सीजर में आपने उन रोकी हुई चीजों पे अपने सस्पिशन की वजह से, अपने किसी एलिजेड इल्जाम की वजह से उसके ऊपर आपने कहा है कि जी ये इलीगल हैं, ये स्मगल्ड हैं या ऐसा कुछ, तो उनको सीज कर लिया। आप सीजर रिपोर्ट बनाते हैं, उनको सीज करते हैं। ये आप सेक्शन 168 के तहत करते हैं, उनको डिटेन की हुई चीजों को सीज कर लेते हैं। अब डिटेन में आपने सिर्फ रोकी थी चीजें फॉर चेकिंग, उसके बाद आपने अपने पास रख ली कि जी हम इसको चेक कर रहे हैं। अब सीज है, सीज में आपने अपना जो इल्जाम था वो उसके ऊपर लगा दिया है और उसके बाद उसको सीजर रिपोर्ट बना दिया है और उसको आपने कस्टम ऑफिसर या कस्टम स्टेशन भेज दिया है, जो भी वो हम आगे डील करते हैं। तो वो सीज हो गई चीजें। अब सीज होने के बाद अगर उस पर वो इल्जाम प्रूव हो गया है और वो चीजें हमने उसको वापस नहीं करनी है एज पर एडजुडिकेशन ऑर्डर, एज पर जुडिशियल ऑर्डर जो भी डिस्कस होगा फर्दर इसकी एडजुडिकेशन होने के बाद, अगर हमने उसको वापस नहीं करनी और वो भाग के सरकार जब्त होनी है तो दैट इज कॉल्ड कन्फिस्केशन। ठीक है, तो ये तीन छोटे छोटे डिफरेंस वाली एक ही प्रोसेस की तीन डिफरेंट स्टेजेस हैं बेसिकली। ये हो जाएगा सेक्शन 158 के तहत आपने उन चीजों को सीज करना होता है। अब सीज चीजों को हमने फर्दर क्या करना है, सीज तो कर लिया हमने, सीजर रिपोर्ट बना ली, उसको हमने सीजर रिपोर्ट दे दी अपनी तरफ से, उसको हमने बकायदा हमारी ड्यूटी है कि हमने उसको राइटिंग में सेक्शन 171 के तहत उसको राइटिंग में हमने उस बंदे को हमने अरेस्ट किया उसको रीजंस देनी है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया। अगर हमने चीजें डिटेन की हैं तो जिस बंदे से वो चीजें डिटेन की हैं, सीज की हैं, उसको हमने रिटर्न में देना है कि आपको आपसे ये चीजें क्यों ली गई हैं। ये सेक्शन 171 के तहत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सेक्शन 168 की हम बात कर रहे थे कि वो गुड्स जिनको हमने फर्दर हमने सोच लिया है कि इनको कन्फिस्केट होना चाहिए, जो कि फर्दर एडजुडिकेट होंगी उसके बाद डिसाइड होगा, तो उनको सीज हमने किया था 168 में। 169 में हमने उन चीजों को या तो अप्रोप्रिएट ऑफिसर के हवाले करना है वहीं पे अगर अवेलेबल है तो, अगर वो अप्रोप्रिएट ऑफिसर जो मेनली एसी होता है, असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे मे बी, वो जगह तो जगह वेरी करता है, तो वो फर्दर इस चीज को हम या तो अपने ऑफिसर को दे देंगे या फिर हमने उसको फर्दर पहुंचाना है अपने कस्टम स्टेशन पे और वहां पे उसको रिसीव करवाना है, जो भी अप्रोप्रिएट ऑफिसर होगा बेसिकली। अभी मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर का कहा, बेसिकली यहाँ पे वर्ड अप्रोप्रिएट ऑफिसर का ही यूज किया जाता है, जिसके पास भी ये चीजें रिसीव करने की पावर होगी दैट इज अप्रोप्रिएट ऑफिसर। फिर उसके बाद सेक्शन 180 में हमने उस बंदे को, उस अरेस्ट हुए हुए बंदे को या जिससे हमने वो चीजें सीज की हैं उसको हमने शो कॉज नोटिस भी सर्व करना है। शो कॉज नोटिस अगर नहीं सर्व करते तो उसकी भी लीगैलिटीज हैं, वो फिर उल्टा जो सीजिंग ऑफिसर है उसके लिए परेशानी होती है। तो ये मेनली चीजें हैं जो ओवरऑल इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर ने परफॉर्म करनी है ऑन द फील्ड। और उसके अलावा हमने अप्रेजमेंट की भी बात कर ली, जो जॉब रिलेटेड चीजें हैं। और इसके अलावा एज सच मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का एस्पेक्ट रह गया,
हाँ आपसे एफबीआर के टारगेट्स, एफबीआर कस्टम्स के टारगेट्स, कस्टम के रेवेन्यू कलेक्शन, एफबीआर की रेवेन्यू कलेक्शन, प्रीवियस ईयर्स का डाटा, अभी की हमारी इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से पूछा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपने लास्ट हमारे बजट से देखनी है, हमारे इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी होगी उससे देखनी है, उससे प्रिपेयर करनी है। उसमें ऐसा सिर्फ डाटा ही है, उसमें ऐसा टेक्निकल समझाने वाली बताने वाली कोई ऐसा बात नहीं होती, वो ज़रूर आपने देख लेना बिकॉज दैट इज आस्क्ड। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे पूछी जाएंगी और वो सारा वहाँ पे ज़रूर आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। अब इसमें किसी के कोई क्वेश्चंस हैं फर्दर, कोई एस्पेक्ट जो पूछना चाह रहा हो, कोई के फलां चीज रह गई है तो वो मुझे पूछ सकता है। अच्छा एक क्वेश्चन है कि विच पोर्ट्स डील कस्टम्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूँ। जब भी कोई चीज सीज की जाती है ऑन द लेवल ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर या इंस्पेक्टर्स या दूसरी तरफ पैरेलल अप्रेजिंग ऑफिसर, उसका कोई भी कॉन्ट्रवेंशन बनाता है कि जी इसने फलां चीज मिस डिक्लेयर की है, फलां चीज इसने अंडर वैल्यू अंडर इनवॉइसिंग की है या इस तरह का कोई भी, तो उसको फर्दर एडजुडिकेट किया जाता है बाय एडजुडिकेशन कलेक्टरेट। कस्टम्स में एडजुडिकेशन के तीन कस्टम्स के अपने टेक्निकल वो हैं लेवल की एडजुडिकेशन होती हैं या कह लें कि जुडिशियल प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजुडिकेशन होती है अंडर एडजुडिकेशन कलेक्टरेट। अच्छा इसमें एक और चीज रह गई, वो भी इसी एतबार से याद आ गई, इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर, ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बट ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट को गवर्न करती हैं। उसमें सर्टन बैंड आइटम्स होते हैं, सर्टन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स होते हैं, सर्टन प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, उनके रिस्ट्रिक्शंस के साथ रेगुलेशंस होंगी कि इसके साथ साथ कौन से एनओसीज चाहिए, कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए, कौन सी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के सर्टिफिकेट्स चाहिए, या यहाँ पे आके उसके फर्दर प्रोसीजर्स हैं वो जरूरी हैं करने, तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स में। अभी जो करंटली चल रहा है वो 2020 का चल रहा है, इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2020, ये अलग अलग दोनों इश्यूज इशू होते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई हैव मेंशनड सैफी साहब कॉन्टेक्ट नंबर एंड एज वेल एज when I will upload this video on YouTube, so in the description, all the listeners would come across his name and his contact number. So if any student, because a lot of students are asking questions, service structure and contraband and stuff like that, benefits, perks and privileges, you know, every student has its own unique questions. So I would like to inform all that Saifi Saab is kind enough and he has allowed us. So, inka contact number available. Abhi bhi main is waqt jo hai maine abhi upar mention kar diya. Aur abhi main dobara bhi inka number jo hai wo yahan pe mention kar deta hu. Aur simultaneously jab aap isko YouTube pe dekh rahe honge, to unke link mein bhi Saifi Saab ka number hoga. To धड़ाधड़ कॉल्स ना करें बल्कि, लेकिन व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट में इन्हें अगर बेहतर यही होगा फिर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बेहतर यही होगा कि जो भी क्यूरीज हैं सारे स्टूडेंट्स की वो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर देंगे, चाहे वॉइस नोट भेज दें, तो हाँ। मैं उनको बारी बारी जैसे मेरे लिए कन्वीनियंट होगा मैं उनको सारों को जरूर व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो इमरान सैफी साहब का अपलोड कर दिया, और यही नंबर जब ये रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा तो उसमें भी डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होगा, तो आप लोग वॉइस नोट में अपना सवाल सैफी साहब को भेज दें तो, और उसमें वो इसको रिप्लाई कर देंगे। अभी को मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ जी, और थैंक यू वेरी मच सैफी साहब, और बहुत बड़ी सर्विस है जी, बहुत आपने अच्छा पढ़ाया
कि अल्लाह इनकी मदद करे, अल्लाह इनको कामयाब करे इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह कस्टम डिपार्टमेंट में इकट्ठे काम करते हैं सर। मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल, एंड थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।